हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। दो दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश करी कि ब्लॉग डाल पाऊँ, बट इतना ज़्यादा बिजी थी जिसके कारण से मैं ब्लॉग। गाइस, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार करते रहते हैं, बट हाँ, कभी कभी इतना बिजी हो जाना होता है कि नहीं ब्लॉग एडिट कर पाना होता है। ब्लॉग तो मैंने बनाया और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। और ये ब्लॉग है किस दिन का है एक्चुअली, मुझे आज का डे कौन सा डे है, आज है मंडे। जब ये ब्लॉग आपके पास जा रहा है तो मंडे वाला डे है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं दो दिन किस चीज़ में बिज़ी थी। तो एक्चुअली मेरी लाइफ का बहुत ही ख़ास दिन आ रहा है और मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। और उसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली मैं अपनी नंद के साथ मार्केट जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ वो अभी आपको बताते हैं, क्योंकि अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। देख सकते हैं जैसा कि आप, मौसम काफ़ी धूप हो रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाना ज़रूरी था इसलिए मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो हम दोनों लोग जा रहे हैं अमीनाबाद की मार्केट, लखनऊ की अमीनाबाद मार्केट, और काफ़ी रश वाली मार्केट होती है, वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। बट हाँ, अमीनाबाद जब आप जाते हैं तो आपको हर तरीके का सामान वहाँ मिल जाता है, जो और आपको अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आइटम्स मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिल पाते हैं। तो अभी हम लोग घर से निकल लिए हैं और वेदर को देख करके ना सच में डर ही लग रहा है। मेरी बड़ी वाली नंद के साथ जा रही हूँ, देख सकते हैं। तो हम दोनों लोग ई रिक्शे में हवा खाते जा रहे हैं। एक्चुअली ना बारिश का सीज़न है और अभी काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। वेदर पहले काफ़ी गर्मी हुई और उसके बाद अब अगेन वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, तो हम लोग इन्जॉय कर। तो दीदी को एक्चुअली पार्लर के लिए कुछ सामान लेना था, तो उसी की शॉपिंग करने हम लोग अमीनाबाद जा रहे हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम पर बारिश हो रही है, तो आपको थोड़ी थोड़ी सी मेरी आवाज़ साउंड कर रही होगी, तो इग्नोर करिएगा। तो चलिए हम पहुँच जाते हैं मार्केट जल्दी से, और छाता वगैरह हमने साथ में ले रखा है, क्योंकि इस मौसम का कोई भी भरोसा नहीं होता कब अच्छी खासी बारिश होना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल भी इस मौसम का बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जुलाई के महीने में इस बार ठीक ठाक बारिश हो रही है, डेली इवन बारिश हो जाती है। उसके बाद हम आ गए हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप में। तो दीदी को यहाँ पर अपनी बेटी के लिए कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेना था, लाइक वो पियानो हारमोनिया ये सब सीखती है, तो वही सारे आइटम उनको लेना था, यहाँ परचेज़ करना था। घर में ढोलक नहीं है और मुझे ढोलक का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं ढोलक बजाती हूँ, गाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है किसी फेस्टिवल में 4-5 गाने ढोलक बजाओ गाओ। तो मैं यहाँ पर ढोलक भी देखने लगी थी कि ढोलक अच्छी हो, तो मैं एक ढोलक भी ख़रीद लेती हूँ। उसके बाद हम लोग चेयर्स की शॉप में आ गए थे, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चेयर्स थी, तो हम लोग वही देख रहे थे कि कौन सी वाली हम पसंद करें, कौन सी वाली बेस्ट रहेगी पार्लर के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली सारी ही पार्लर्स की ही चेयर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारी अच्छी लगती हैं। और जब हम कुछ ख़रीदने जाते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी लें कौन सी ना, क्योंकि सारी एक जैसी ही दिखती हैं, बट हाँ, कौन सी वाली क्वालिटी में अच्छी है और कौन सी कंफर्टेबल है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो बस हम दीदी यही देख रहे। अभी हम लोग आए थे यहाँ मार्केट अमीनाबाद की बाज़ार, और यहाँ पर अभी गोडाउन में आए थे क्योंकि पार्लर के लिए एक्चुअली सामान लेना था। यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक था, यहाँ पे कुर्सी का, चेयर का। मौसम अच्छा हो गया, उधर साइड बारिश हो रही है वहाँ। हाँ, ये कह रहे हैं कहाँ हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम कह आ रहे हैं। और इधर तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, अच्छा ही है बारिश। अरे, मौसम ठीक ठाक हो जाता ना तो घूमने में सही रहता है, वरना आदमी धूप में ना एकदम परेशान हो जाता। जब निकले थे तो कितना गर्म था, पानी है ना मेरे पास। हाँ दीदी, मुझे भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो अभी दीदी की शॉपिंग तो हो गई है, अब हम आ गए हैं अपनी शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे लेने थे घर के लिए कर्टेंस और बेड शीट वगैरह, और उसके साथ साथ मुझे सोफ़ा के कवर वगैरह लेने थे। तो वही सब हम लोग देख रहे थे कि मैचिंग सोफ़ा कवर मिल जाए, और कई चीज़ें मैच करनी होती हैं, वॉल का पेंट जो होता है उससे मैचिंग भी लेना पड़ता है, कर्टन से भी मैचिंग लेना पड़ता है, एंड सोफ़ा से भी मैचिंग लेना होता है। और मैचिंग लेने के चक्कर में ना काफ़ी कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर डिज़ाइन नहीं पसंद आ रही तो हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे भैया डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैरायटी दिखा रहे हैं, कलर भी दिखा रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सा पसंद आता है। और जितनी बड़ी मार्केट होती है, जितने ज़्यादा आइटम आपके साथ सामने होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सबके साथ होता होगा, मुझे तो साड़ियों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मुझे सारी साड़ियाँ
साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। जब मैं शॉप में जाती हूँ तो मुझे सारी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है मैं सारी की सारी रख लूँ। आप लोगों के साथ ये सब होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल अभी हम लोग को ये ब्राउन कलर वाला पसंद आ रहा था क्योंकि सोफ़ा की जो वुड का कलर है वो ब्राउन है एंड कर्टन भी मैंने समथिंग ब्राउन कलर में ही लिए हैं, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा था। तो अभी मैंने अमीनाबाद मार्केट में ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अमीनाबाद मार्केट से और अभी टाइम हो रहा होगा 6:30 से 7 बजे के बीच का। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है और मैंने और दीदी ने खूब सारी शॉपिंग की। 1:30 से 2 बजे के बीच घर से निकली थी और अभी टाइम हो रहा होगा 7:30 का, तो हम लोग इतनी देर वापस आए हैं। तो सामान भी बहुत ज़्यादा था, पहले हम दीदी की पार्लर के लिए सारा सामान जो भी उनको चाहिए था पार्लर के लिए वो ले लिया। चेयर्स वगैरह लगती हैं और भी जितनी चीज़ें पार्लर में, तो बहुत सारा सामान लगता है क्योंकि लोग तरह तरह की चीज़ें लेते हैं। और मैनीक्योर सेट है, मतलब जिसमें पेडीक्योर किया जाता है, मैनीक्योर किया जाता है वो सब भी, और जिसमें हेयर स्पा किया जाता है वो भी, स्टीमर भी भाप लेने वाला, और जिसमें वो किया जाता है क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रॉली जिसमें काफ़ी कुछ सामान स्टोरेज का आ जाता है वो सारा, और एक्स्ट्रा कुछ 2-4 चेयर कस्टमर्स के लिए। तो सारा कुछ लिया, फिर लास्ट में मैंने कहा कि चलो मैं घर के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। तो फिर मैंने लास्ट में सोचा कि घर के लिए शॉपिंग कर लेती हूँ। और जो हमारे न्यू सोफ़ा आए हुए हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा भी कि बहुत अच्छा डिज़ाइन है, कहाँ से लिया है। तो ये एक्चुअली हम लोगों ने मार्केट से बने बनाए नहीं लिया है, इसको ऑर्डर दे करके बनवाया है मेरे फादर इन लॉ ने, तो उनकी ही चॉइस के हैं ये सारे। तो उन्होंने अपनी पसंद के ऑर्डर करके, और लकड़ी बहुत अच्छी, लकड़ी इसकी इतनी अच्छी है कि कई सालों के बाद भी शायद ही ख़राब हो। तो बस मैंने सोफ़ा कवर लिया एंड उसके साथ कुशन लिया, कुशन कवर लिया एंड कुछ कर्टन जो बचे हुए थे वो लिए। कुछ कर्टन मैं कल ही ले आई थी और कुछ जो बचे हुए कर्टन हैं वो मैंने आज खरीदे हैं। तो यही सारी शॉपिंग की है, तो दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। तो लॉबी के लिए मैंने कुछ इस टाइप में एक कर्टन लिया हुआ है, लाइट कलर है बिल्कुल, और स्लेटी, और इसमें क्या बताऊँ, ग्रीन कलर के कुछ फ्लावर बने हुए हैं। तो इस टाइप का इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है फ्लावर वाले पैटर्न में, तो इसी तरह के मैंने लॉबी के लिए लिया है, उसकी वॉल से ही, उसकी हाइलाइटेड वॉल से ये मैचिंग है। तो इस तरह के मैंने कर्टन लिए हुए हैं। और जो सोफ़ा कवर मैंने लिया हुआ है वो ये लिया हुआ है क्योंकि जो हमारे सोफे का कलर है वो डार्क ब्राउन है और इस रूम का कलर भी क्रीम कलर, और जो कर्टन है वो ब्राउन कलर की है, तो उससे उसको ध्यान में रख के मैंने कुछ समथिंग इस तरीके का लिया है सोफ़ा कवर। और ये भी काफ़ी अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है क्लॉथ क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये देख सकते हैं सभी सोफ़ा के लिए, 7 सीटर के लिए और साथ में 5 सीटर के लिए ये सारे सोफ़ा कवर, 5 सीटर के लिए। और अब आपको हम इसमें दिखाते हैं हमने और क्या लिया है। तो ये सारे तो कुशन लिए हुए हैं, पूरे 12 कुशन है क्योंकि जितने भी सोफा है सबसे पूरे 12 कुशन लग जाएंगे। तो ये सारा कुछ मैंने इकट्ठे लिया हुआ है, उसके साथ ये सारे कुशन के कवर हैं। तो ये थोड़ा मैंने मिसमैच, पहले निकाल देती हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ के कारण ना मेरी वॉइस आपको गूंज रही होगी। तो ये देख सकते, ये मैंने मल्टी कलर में लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये उसी का सेम है। फिर मैंने ये कुछ इस तरीके के भी लिए हैं जिसमें बना हुआ है मोर बना हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी तरह के ये 5 है, पूरे 5 जो कुशन है उनमें इसी टाइप से मोर बना हुआ है, और ये वाले जो हैं इनमें बटरफ्लाई बनी हुई है। तो अभी आपको दिखाती हूँ पास से, मैं एक पीस आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की बटरफ्लाई बनी हुई है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे कलरफुल बहुत अच्छा पसंद आया। तो मैंने कहा कि बस मैं यही वाला लूँगी, और कलरफुल होने से ना आगे चल के अगर आप कर्टन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ मैंने कुछ और भी कर्टन्स ली हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये प्लेन कर्टन मैंने ली हुई है 1-2 क्रीम कलर की, क्योंकि इस रूम के लिए ना मुझे थोड़ा सा भी चेंज करना था इस रूम को, तो ये मैंने क्रीम कलर की 2 कर्टन ली है। तो बीच में ना मैं डार्क कॉफ़ी कलर वाला लगाऊंगी और साइड साइड में ये क्रीम वाले लगा दूंगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया से हैं, तो
खूब सारी आज शॉपिंग हो गई और काफी कुछ सामान मुझे और लेना था, बट होता नहीं जब बच्चों को आप घर में छोड़ के जाओ तो दिमाग उलझा रहता है और पूरे मन से शॉपिंग नहीं हो पाती है। तो अक्षय दादा को मैं छोड़ के ही गई थी और हस्बैंड जी घर पे थे, बट हाँ होता नहीं है कि मेरा था कि बहुत काफी टाइम हो गया, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, चलते हैं, तो उसके चलते मैंने जल्दी जल्दी से जो कुछ भी खरीद सकी वो मैंने खरीदा। तो आज के लिए इतना ही काफी था, फिर कभी टाइम निकाल करके जाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरे चैनल पे, और ये सारी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी ये तो पहले बता ही दीजिएगा जरूर। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं, पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।